साजिश है, उससे पहले भी इन्होंने बल्गेरिया का सपना दिखाया था हमको, जो टोटली फेल हुआ। हमारे एक अमेरिकन पेटी इस टाइम राजेश चिकेल जी 100 पेटी देती है, 100 पेटी एक पेट, जो 30-40-50 सालों से हमारे बाप दादा उन्हें लगाया है। इसका मतलब 200 डब्बा एक पेड़ से उतरता है, कोई पेटी 70, कोई पेड़ 70 पेटी देता है। इसी तरह हमारे बहुत सारे मसाला जो मैंने गिन गिन के आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हर टाइम हमारी बात उठाएंगे, हर फोरम में उठाएंगे। मैं आपका फिर एक और साथ साथ में हमारा यहाँ ग्रोवर्स का केसीसी लोन है 3 लाख रुपए तक का, 3 लाख जो बेसिक ग्रोवर है, जो सेब उगाता है, जो जनरल पब्लिक ने लिया है। अब उनकी ये भी कैपेसिटी है कि वो 3 लाख रुपए वापस करें बैंक को। मेरी आपसे इच्छा होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे आपकी बात होती है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नुमाइंदे को अपनी इस डेप्टेशन में शमूलियत करेंगे, ताकि हमारी भी बात आगे जा सके और 3 लाख रुपए तक का लोन जो है ये यहाँ के ग्रोवर को कम से कम माफ होना चाहिए। और मैं जो इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है इन 5-6-7 सालों में, मुझे उम्मीद है आप कोशिश करेंगे इस फूड इंडस्ट्री के लिए जो भी हमारे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनका इजाला करने के लिए आप कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, जो यहाँ की कमेटी है, मलिक साहब हैं, सारी जो कमेटी यहाँ की है, उन सबका धन्यवाद। आप लोग ये नहीं समझना कि यहाँ का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जो चीज आप पैदा करते हो इसको हर आदमी इस्तेमाल करता है, और कुछ ना मिले तो उसके घर में सेब जरूर मिलता है। और ऐसे एक नारा हम देंगे, उस नारे को हमेशा इन पट्टियों पर लिखते ही रहना और उसको भी बोलते ही रहना। आप लोग ये नहीं समझना कि यहाँ का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जो चीज आप पैदा करते हो इसको हर आदमी इस्तेमाल करता है, और कुछ ना मिले तो उसके घर में सेब जरूर मिलता है। और ऐसे एक नारा हम देंगे, उस नारे को हमेशा इन पट्टियों पर लिखते ही रहना और उसको भी बोलते ही रहना। और वो बहुत जगह डॉक्टर उस नारे को लिखते हैं, वन डे वन एप्पल, हर रोज एक सेब, ये डॉक्टर लिखते जरूर है और बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप जो पट्टी हमारी आ रही है, जब आप उस पे ये छापा डलवाते हो तो इस पे एक सेंटेंस जरूर उसमें लिख रहा हूं, वन डे वन एप्पल। तो इस दारे के साथ में भी हम चलेंगे और हम बहुत से चीजें भेजते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 में आमदनी दुगुनी हो जाएगी, लेकिन हमने कहा है कि आमदनी तो दुगुनी हुई नहीं किसी की। बहुत से लोग यहाँ पे भी हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो, हमको जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, आमदनी जब दुगुनी होगी। जब हम नेचुरल फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, जब हम जूस का इस्तेमाल करेंगे, जब हम कोई भी फल से बढ़ने हुए जूस का इस्तेमाल करेंगे, जहां दूध लस्सी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगे जब होगी, और हम अगर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी की आमदनी दुगुनी होगी, किसान की तो होगी नहीं। ये धीरे धीरे ये सब चीजें
अपने उसमें हमको जानी पड़ेगी। बहुत बड़ा कारोबार ये है और हमको ये जिंदा भी रखना है। हम यहां आने से पहले भी आपने बहुत वीडियो और बहुत हमारे सुने होंगे जो हमने स्पीचें दी हैं, तो उसमें सेब के किसान का जिक्र जरूर आया होगा, कश्मीर के चावल का जिक्र आता है, बिहार के किसान का आता है, और पूरे देश भर में हर स्टेट में जहां जो जो चीजें आती है उनका जिक्र जरूर हम डालने की कोशिश करते हैं। जो जितेंद्र जी रास्ते में इसकी बात बड़ी बात आप कर सकते हैं, अलबत्ता मैं आपको इस बारे में दिया है कि फ्रूट को ऐसे अपनी मुड़ी आंदोलन चली थी किसानों के लिए, जिसमें इन्होंने आखिरी हद तक जो गए और अपनी बात मनवाई, उसके लिए एक बार फिर हम इनका अप्रिशिएट करना चाहेंगे। और आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ बाहर से सुन रहे हैं, उम्मीद सी जागी है कि राकेश जी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एक ऐसे नेता है जो नॉन पॉलिटिकल है, खाली किसान की बात कर रहे हैं। और आज हमें कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर राकेश जी चाहे तो उनको इजीली सॉल्व करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि वो इसमें हमारी भरपूर मदद करेंगे। मैं एज ए भाईआरएस प्रेसिडेंट राकेश जी से चंद गुजारिश करना चाहूंगा, जिसमें हमारा मसला सर फिनिश है। राकेश जी, आप टैक्स बांग्लादेश गवर्नमेंट लेती है हर एक गाड़ी पर, जिसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, जो ये पैसा जा रहा है ग्रोवर का जा रहा है। 14.5 लाख हर साल तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए हमारे ट्रक पे इंक्रीज टैक्स होता है। बात हुई तो नेशनल हाईवे NH 44 में जो परेशानियां हुई, वो परेशानियां ऐसी थी कि जिससे तकरीबन हमारी फ्रूट मंडी सोपोर को, खाली फ्रूट मंडी सोपोर को 1500 रुपए का 1500 इनके पॉलिसियों की वजह से। अगर आप देख लीजिए कि कोई भी काम होने वाला हो, आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अमरनाथ दरों का ट्रेड जो है, जिस पर पूरी कश्मीर की मैशियत दरमदार रहती है, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी रोडमैप नहीं बनाया, सीजन आने से पहले कभी ऐसी मीटिंग नहीं की कि हमारी गाड़ियों में कोई दिक्कत ना पैदा हो, पेरिशेबल आइटम हो, ये खराब ना हो। आज तक हमने कभी ये नहीं सुना कि चाहे